हेलो फ्रेंड, नमस्ते और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब काफ़ी हद तक अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो थंबनेल में लिखा हुआ है, जो आप थंबनेल में देखे हैं एकदम सही लिखा है और वही हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़ के नहीं भागिएगा। अगर आपको जानना है पंजाब में कुल कितने स्कूल है सब, उनका लिस्ट देखना चाहते हैं, पूरा स्कूल का भी लिस्ट देखना चाहते हैं और स्कूल का डिटेल भी देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है आपको, अपने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, जो सब ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्या लिखना है आपको, ई पंजाब आपको लिखना है, ई पंजाब। इतना आपको क्या करना है, इतना आपको लिख देना है, ठीक है। ई पंजाबी स्कूल डॉट गव डॉट इन आपको लिख कर सर्च करना है, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर आपको टाइप नहीं करना है क्रोम में, तो क्या करना है, ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं, यहाँ मोर का ऑप्शन होगा, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जानते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करना है और आपको फर्स्ट में लिंक मिल जाएगा, क्लिक हेयर। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आपको क्या करना है, इस पर अगर स्कूल का लिस्ट देखना चाहते हैं कि पंजाब में कितने, कौन डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल है, आप डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। चलिए आपको क्या करना है, वेबसाइट पर कुछ आने के बाद इस तरह का आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको एक स्कूल कॉर्नर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं स्कूल कॉर्नर यहाँ मिल जाएगा। तो क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर अगला इंटरफेस कुछ तरह का मिलेगा, स्कूल वेबसाइट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो वेबसाइट कुछ इस तरह का ओपन आपको हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा। तो यहाँ आपको दो सेक्शन मिल रहा है, फाइंड स्कूल और यहाँ सर्च बाय नेम। तो आपको क्या करना है, स्कूल का लिस्ट देखना है। वो क्या करना है, सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं फाइंड स्कूल का अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए, और ईडी ब्लॉक और यहाँ मैनेजमेंट और कैटेगरी आपको सिलेक्ट करके क्यूआर कोड करके यहाँ क्यूआर कोड फिलअप करके यहाँ सब में आपको वर्जन आई फिलअप करके वो कैप्चा कोड करके शो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ये शो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए हम ये सब फिलअप कर लेते हैं। तो आपको डिस्ट्रिक्ट पहले अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको फिलअप कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ ईडी ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ देर वेट कर लेना है, यहाँ आप ही टिपेंगे यहाँ तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ हाँ देखिए अब आ गया, थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं वो क्या करना है, ब्लॉक इसमें सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, मैनेजमेंट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं आप प्राइवेट स्कूल को देखना चाहते हैं कि यहाँ जो जैसा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल कैसा है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं जो अपना सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम रिलेटेड देखना चाहते हैं, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना फर्स्ट में है। हम यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो आपको स्कूल को देखना चाहते हैं देख सकते हैं। चलिए हम प्राइमरी स्कूल से देखना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल का लिस्ट वो इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको क्या करना है, कैप्चा कोड फिलअप कर देना है। चलिए हम कैप्चा कोड फिलअप कर देते हैं। यहाँ कैप्चा कोड फिलअप करने वाले को क्या करना है, शो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। शो के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका वेबसाइट अगला इंटरफेस लिस्ट दिखा देगा। चलिए इस पर क्लिक करके आपको वेट करना है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको नीचे एक्सप्लोर करना है। यहाँ देख सकते हैं टोटल उस डिस्ट्रिक्ट का, उस ब्लॉक का यहाँ पूरा लिस्ट ओपन हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं, टोटली देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं इस तरह का वो स्कूल का लिस्ट मिल जाएगा। अगर उस स्कूल में कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं आप देखना चाहते हैं, तो क्या करना है, सीधा यहाँ इस पर आना है लास्ट में, और यहाँ गो टू वेबसाइट का ऑप्शन है। तो जो स्कूल का देखना चाहते हैं उस सामने आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है जो स्कूल का देखना चाहते हैं। तो क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, आपका स्कूल का पूरा डिटेल देख सकते हैं। देखिए यहाँ इसको और पीडीएफ लिस्ट को ओपन हो गया, आपको इसको क्या करना है, पीडीएफ ओपन कर लेना है, यानी पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है,
यहाँ आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, जो ब्राउजर है उस पर एक थ्री डॉट मिलेगा, आपको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे आना है और शेयर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। शेयर के ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको क्या, आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, यहाँ यहाँ बहुत सारा टोटल ऑप्शन मिलेगा, यहाँ देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ आपको लास्ट में आना है, यहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको क्या करना है प्रिंट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक उसी तरह का इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ आपको पीडीएफ में सेव कर लेना है, देख सकते हैं। और यहाँ पीडीएफ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करके सेव कर लेना है। तो आपको यहाँ उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आप कर लेंगे उम्मीद है, देख सकते हैं। तो उसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए मिल जाए अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।